तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के शिमला, यानी जहाँ पर राजस्थान का सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिलता है, उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ, उस हिल स्टेशन पर लेकर चल रहा हूँ जो राजस्थान और गुजरात के पर्यटकों का एक प्रमुख केंद्र है। यह देसी और विदेशी पर्यटकों की एक पसंदीदा जगह है। मैं यहाँ पर हिल स्टेशन पे बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और अब हम सबसे पहले आए हैं जो अर्बुदा देव जी शक्तिपीठ है एक, और यहाँ पर वो भी एक अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे आप अगर आते हो तो ज़रूर जाएं। अब चलते हैं हम आगे अंदर, अर्बुदा देवी जी मंदिर है, उसमें क्या है यहाँ के बारे में डिटेल अपन जानेंगे आगे। यह धार्मिक स्थल यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी का मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है और ये सामने वहाँ के बाहर मार्केट का नज़ारा है। अब इसके बाद हम आपको लेकर आए हैं यूनिवर्सल पीस हॉल। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक अलग ही शांति का एहसास होता है। इसके बाद हम आपको लेकर आए हैं जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वहाँ पर आपको लेकर आए हैं। और इस गुरु शिखर पे यहाँ पर ये शानदार नज़ारा आप देख सकते हो, और यहाँ पर बादल हैं बिल्कुल आपको छूते हुए गुजरते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा इसी जगह का है, यानी गुरु शिखर जो चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये नज़ारा इस जगह का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, और बाहरी विदेशी जो पर्यटक है वो भी यहाँ पर आते हैं बड़ी संख्या में। इस जगह पर आपको कश्मीर और शिमला जैसा एहसास होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हैं। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ यहाँ एक से एक बड़ी चोटियाँ यहीं पर स्थित है। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ये सभी बड़ी चोटियाँ यहीं पर स्थित है। यहाँ गुरु शिखर चोटी पर दत्तात्रेय जी का मंदिर भी है। यहाँ पर जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, दत्तात्रेय जी का मंदिर है। अब हम आपको लेकर आए हैं शूटिंग पॉइंट, यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में फोटोग्राफी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो शानदार रहता है। और यहाँ पर पास में छोटी छोटी झीलें दिखाई देगी, एक तरफ ऊंची पहाड़ी, एक तरफ शानदार प्रकृति का नज़ारा, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से लोग यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, इसी वजह से लोग जब भी यहाँ पर माउंट आबू जाते हैं तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुककर फोटोग्राफी भी करते हैं। अब हम आपको लेकर आए हैं नेक्स्ट, इसमें ये है पीस पार्क, यानी ये एक ऐसा पार्क है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उसी के तत्वाधान में ये कार्य कर रहा है। और यहाँ पर जो पीस पार्क है, यहाँ पर जाने के बाद आपको एक अलग ही पीस का एहसास होता है। और अब हम आपको लेकर आए हैं नक्की झील, यानी राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील पर, और ये माउंट आबू में ही स्थित है। तो ये इस झील का शानदार नज़ारा है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दी के दिनों में जम जाती है। इसी झील के किनारे पर एक तरफ टोड रॉक है, जहाँ पर मेंढक आकार की आकृति वाली एक शिला है, और एक तरफ भारत माता का मंदिर भी है। शाम के समय बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी चर्चित है।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।